नमस्कार। क्लास नाइन्थ में शब्द निर्माण शीर्षक के अंतर्गत आज हम संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय उपसर्ग से शब्द निर्माण इस संदर्भ में समझेंगे। संस्कृत के तत्सम शब्द एक था, वो सबसे पहली वीडियो थी। इसके बाद दूसरी वीडियो तद्भव शब्द, तीसरा आगत, और आज जो वीडियो बना रहे हैं हम वह है संस्कृत के अव्यय शब्द। अव्यय तो समझ में आया है आपको, अव्यय पर अलग अलग तरीके से कई प्रसंग हमने अलग अलग वीडियो में लिए हैं। संक्षेप में एक बार फिर से, अव्यय यानी ना व्यय यानी जो नहीं खर्च होता, अर्थात जिसमें कोई विकार नहीं आता है। तो संस्कृत के ऐसे उपसर्ग जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता है उन्हें हम अव्यय, संस्कृत के अव्यय उपसर्ग बोलते हैं। और इन उपसर्गों से जो शब्द निर्माण होता है उन्हें संस्कृत के अव्यय उपसर्गों से शब्द निर्माण कहा जाएगा। तो ऐसे कई अव्यय उपसर्ग हैं, उन्हें देखिए, उनका अर्थ भी लिख रहा हूं मैं। और हाँ, इतनी बात एक बार फिर कहूंगा कि एक शब्द निर्माण तो मैं कर रहा हूं, एक आपको खुद कर रहा है, कम से कम एक, और दो करेंगे और अच्छा रहेगा। तो न्यूनतम एक तो आपको करना ही करना है। तो मैंने जो संस्कृत के उपसर्ग अव्यय उपसर्ग चुने हैं उनका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा और उनसे एक एक शब्द बनाऊंगा, आप एक एक या दो दो शब्द और बनाएंगे। तो आइए देखते हैं संस्कृत के अव्यय उपसर्गों से शब्द निर्माण। और हाँ, पूरी वीडियो देखिएगा, जब पूरी वीडियो देखेंगे तो ये सारे के सारे संस्कृत अव्यय उपसर्ग आपके समक्ष आएंगे। तो आइए, ये उपसर्ग है, अर्थ है इसका, और शब्द एक शब्द ये एक दूसरा शब्द आपको खुद बनाना। जैसे पहला उपसर्ग है अधर। अब ये अधर उपसर्ग से हम जब शब्द बना रहे हैं तो इसको पहले, इसका अर्थ हुआ नीचे, नीचे। तो अधः अधोलिखित, अधः लिखित, अधोलिखित, अधोलिखित, इस तरह से और भी शब्द बनेंगे, मैंने सिर्फ एक शब्द बनाया है। इसके बाद अंतः, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, अंतः इसका अर्थ हुआ भीतर। तो अंतःकरण, अंतःकरण, ये इस तरह से हौले लिखेंगे, इसमें विसर्ग ही आएगा। ये मैंने जानबूझ के यहां लिखा अंतःकरण। इसके बाद अंतर, अंतर का भी अर्थ हुआ भीतर। तो अंतरराष्ट्रीय, ऐसे ही अलम, अलम का एक अर्थ हुआ भूषित और दूसरा अर्थ हुआ पर्याप्त। अब अलंकार,
ऐसे अभी अभी का अर्थ हुआ प्रकट होना, तो अभी अभी से बनेगा आविर्भाव। ऐसे ही बहिर, बहिर का अर्थ हुआ बाहर, बहिर्गमन या बहिर। इसी प्रकार से पुरा, पुरा का अर्थ हुआ प्राचीन, पुराकाल, पुरातन, पुरातन भी लिख सकते हैं। ऐसे तिरस, तिरस्कार का बुरा, तिरस्कार। अगला शब्द आप बनाएंगे, ऐसे सत, सत का अर्थ हुआ अच्छा, सत धन जन सज्जन। इसी तरह से पुनः, पुनः उपसर्ग का अर्थ हुआ फिर, तो पुनर्जन्म। इसी तरह से सह, सह का अर्थ हुआ साथ। तो सहयोगी, ये कुछ संस्कृत के अव्यय शब्द थे जिनके द्वारा शब्द निर्माण हमने पढ़ा, समझा, और पूरी वीडियो देखने के बाद आप जब भी ऐसे शब्दों से शब्द, ऐसे उपसर्गों से शब्द निर्माण करें तो आप यह समझ जाइए कि यह संस्कृत के अव्यय उपसर्ग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।